हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्यों में 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे, जिसके बाद दोनों ही राज्यों में 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 27 सितंबर को जारी होगी। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर को होगी, जबकि स्क्रूटनी 5 अक्टूबर को होगी। वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर को होगी। प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख रुपए है। चुनाव आयोग की ओर से खर्च पर भी नजर रखी जाएगी। हरियाणा में चुनावी बिगुल बजते ही अधिकारी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। आज रादौर में एसडीएम और निर्वाचन अधिकारी कंवर सिंह ने और सेक्टर ऑफिसर्स की बैठक ली और चुनाव से संबंधित विशेष दिशा निर्देश दिए गए। इनेलो छोड़कर रामपाल माजरा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस दौरान माजरा ने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है, निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी और सीएम मनोहर लाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि बतौर कार्यकर्ता शामिल हुआ हूं, पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देगी तो चुनाव भी लड़ूंगा। वहीं कांग्रेस नेता धूराराम भी बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला मौजूद थे। सोनीपत पहुंची कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने इशारों ही इशारों में हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि सोनीपत की जनता ने लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री को हराने का काम किया है। अब की बार भी सोनीपत और प्रदेश की जनता बीजेपी का साथ देगी। वही कुमारी सैलजा और हुड्डा के जिम्मेदार पदों का असर नहीं होगा। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर जेजेपी की प्रदेश स्तरीय रैली होगी, जिसके जरिए पार्टी चुनाव का शंखनाद करेगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि आचार संहिता लगने की वजह से रैली का खर्च राष्ट्र कार्यकारिणी वहन करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हुड्डा की रैली से ये रैली रिकॉर्ड तोड़ेगी। जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के मामले में विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने एक आरोपी को भगोड़ा घोषित किया है। मामले में चार्ज पर बहस होनी थी, लेकिन एक आरोपी भगोड़ा होने से चार्ज पर बहस नहीं हो पाई। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी और भगोड़े आरोपी प्रदीप के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई करेगी। प्रदेश में मलेरिया के बढ़ रहे मामलों को लेकर सरकार चिंतित है। नूह जिले में मलेरिया के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है और गांव-गांव में मलेरिया की टीमें भेजी गई हैं। नरवाना बाईपास की मांग को लेकर नई बस स्टैंड मार्केट के दुकानदारों का धरना 19वें दिन भी जारी रहा। धरने पर दुकानदारों ने परिवार सहित सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर सरकार और प्रशासन दुकानदारों की सुध नहीं लेती तो विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय किया जाएगा। बस्ताड़ा हाईवे स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय घरौड़ा में स्टाफ की भारी कमी के चलते बेटियों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। इसी साल सुविधाओं के अभाव में सरकार ने आनंद फानंद में कॉलेज तो शुरू कर दिया, लेकिन जल्दबाजी का खामियाजा इस समय यहां पढ़ने वाली बेटियों को उठाना पड़ रहा है। कॉलेज महज 5 शिक्षकों के दम पर चल रहा है।